हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि नीति आयोग की एक लेटेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट। तो हाल ही में इसे प्रेजेंट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और यहाँ पे वास्ट डिफरेंस देखा गया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय देम टू द विद इन बाउंड्रीज और देयर विद इन रिस्पेक्टेड बाउंड्रीज। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये इंडेक्स ये तुलना करता है कि भारत के अंदर जितने भी डिफरेंट स्टेट्स है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल या एजुकेशन सेक्टर में कौन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर वो क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टेट में प्रोवाइड करा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो काफी अच्छा मतलब इंडेक्स है, और इससे जो कंपटीशन है वो भी एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मतलब दूसरे स्टेट्स ले सकते हैं जो कि फॉल कर रहे हैं या फिर मतलब बिहाइंड है किसी भी अन्य रीजन से। ओके, तो देखते हैं इस रिपोर्ट के या इस इंडेक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी एक पॉलिटी सीरीज चल रही है चैनल पे, आप चैनल को विजिट करें, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाइए तो आपको इंडियन पॉलिटी सीरीज वहां पे मिलेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड वे में डिजाइन की गई है, और ये काफी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये लेटेस्ट में नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आपको पता है कि नीति आयोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे काम कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स लेके आती है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो सके। जो एक कॉम्पिटेटिवनेस होती है वो स्टेट्स विद इन द सेल्स और अमंग द स्टेट्स वो दिखे, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो ताकि अगर एक स्टेट किसी अच्छी चीज में आगे बढ़ रहा है तो दूसरा स्टेट भी उसे कॉम्पीट करे। तो नीति आयोग की ये जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होती है पर्टिकुलरली यही दर्शाती है, वो सर्वेस करते हैं, तो उसी प्रकार से एक ही एजुकेशन का सर्वे या एजुकेशन के इंडेक्स है। तो बेसिकली ये जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, दिस वॉज डेवलप्ड टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का परफॉर्मेंस किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इसको ये नापता है या इसको तौलता है। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली द इंडेक्स एम्स टू ब्रिंग, एम क्या है, फोकस क्या है इंडेक्स का, ये है कि एक आउटकम फोकस टू एजुकेशन पॉलिसीज। अब मान लीजिए कोई भी स्टेट ए है और स्टेट भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज रन कर रहे हैं, बट इनका जो आउटकम है, जो लर्निंग आउटकम है, वो कितना फ्रूटफुल है या वो कितना परसेंटेज है, उसका लेवल कितना हाई है, वो यहाँ पे मेजर होता है। ठीक है, दोनों ने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया, या फिर टेक्नोलॉजी में हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लर्निंग पे हो, या डिफरेंट पैरामीटर्स पे हो, बट वॉट इज द आउटकम, आउटकम कितना है, कितना फ्रूटफुल आउटकम है, वो यहाँ पे मेजर करता है कि हाँ, यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट या फिफ्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, या फिर मतलब इंग्लिश के वर्ड्स या फिर सेंटेंस को बोल सकता है अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन, तो इट इज अ गुड आउटकम। ओके, बट अगर यहीं पे इन्वेस्टमेंट के बाद भी, इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी, जो एजुकेशन सेक्टर में अगर स्टूडेंट्स मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो डिफरेंट अदर पैरामीटर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे आउटकम उतना फ्रूटफुल नहीं है। तो बेसिकली ये आउटकम को मेजर करता है, एन आउटकम फोकस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, जो कि स्टेट अपने विद इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव बाउंड्री प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेट्स की मतलब चाहे वो उसकी स्ट्रेंथ हो या फिर पर्टिकुलर स्टेट की वीकनेस हो, यहाँ पे पता चलेगी, फिर ये इस पे इंप्रूव कर सकते हैं टू वर्क अपॉन इट। ठीक है, एंड अंडरटेक रिक्विजिट कोर्स करेक्शन एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। तो यही कहा गया है कि ये बेसिकली क्या करेगा, उनकी अच्छी बातें, उनकी बुरी बातें, या फिर जिससे आउटकम नहीं निकल रहा है, वो सारों को यहाँ पे मेजर करेगा और ये बताएगा इस पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में आपका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप इस पे फर्दर इम्प्रूव करिए। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली एक अच्छा है इंडेक्स है, जो कि एक नॉलेजेबल पर्पज से भी हो सकता है अच्छा हो, और यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो कि नीति आयोग प्रमोट करता है, ये उसके लिए काफी अच्छा है पूरे देश के लिए। ठीक है, द इंडेक्स स्ट्राइव्स टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज अमंग द स्टेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड विद इन यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जो मान लीजिए कोई स्टेट है ए या कोई स्टेट है सी, वहां पे कुछ मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वो मतलब दूसरे स्टेट्स को से भी शेयर कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट में पब्लिश किया जाएगा, तो वो भी इसे वहां से कॉपी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट में अगर वहां पे मतलब जो लर्निंग मेथड है वो एग्जांपल्स देके, लाइव एग्जांपल्स देके बताया जा रहा है, तो वो काफी फ्रूटफुल होगा, वो लंबे समय तक स्टूडेंट्स को याद रहेगा। ठीक है, एज अ लैब के फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में होगा। और कहीं पर किसी स्टेट में अगर रोट लर्निंग हो रही है, जस्ट पेन पेपर या फिर चौक से ब्लैक बोर्ड में समझाया जा रहा है, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये एक
आउटकम फोकस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है और यहाँ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटेटिव और जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक ह्यूज डिफरेंस दिखा जो कि मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा रही है एजुकेशन सेक्टर में अक्रॉस द कंट्री, तो नीति आयोग की रैंकिंग में ये मेंशन किया गया। और अमंग द 20 लार्जेस्ट स्टेट, जो भारत के अंदर जो 20 सबसे बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ पे केरला ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 76.6% और उत्तर प्रदेश जो कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, उसका स्कोर रहा 36.4%। तो आप देख लीजिए कितना ह्यूज डिवाइड है कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब 40% का डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने आप में मतलब एक्सेप्टेड भी बोले या एक्सपेक्टेड भी बोले, ये दोनों नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, ठीक है। और वो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि केरला की गवर्नमेंट ले रही है, उससे यहाँ पे सीखना पड़ेगा, उस यहाँ पे अपने उसमें उतारना पड़ेगा पॉलिसीज में। ओके, तो बेसिकली लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है केरला ने, राजस्थान ने और कर्नाटका ने, टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। फिर स्मॉल स्टेट्स में है मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और यूनियन टेरिटरीज में जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है वो है चंडीगढ़, फिर है दादर नगर हवेली और दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली की फाइंडिंग्स क्या थी, जो टॉप स्टेट्स थे और जो बॉटम स्टेट्स थे वो एक की फाइंडिंग है कि हाँ अब इन स्टेट्स को इम्प्रूव करना है। बेसिकली अगर ये इंडेक्स नहीं होता तो पता नहीं चलता कि मतलब किस सेक्टर में वो लैग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर वे में वो लैग कर रहे हैं। सेक्टर इज इन द वाइज जो सब सेक्टर एजुकेशन सेक्टर के अंदर की क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है या क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो स्टूडेंट्स को स्कूल तक बुला भी नहीं पा रहे हैं या ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं टूवर्ड्स द लर्निंग मेथड्स और जो उनके मेथड्स हैं या टेक्नोलॉजी या वो कितना वीक है या वो कितना अपग्रेडेड है, तो एक पर्टिकुलर सेंस में ये इंडेक्स काफी फ्रूटफुल होगा। ओके, फिर यहाँ पे स्मॉलर स्टेट्स की भी बात कही गई है, जहाँ पे 8 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री बट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज अनफॉर्चुनेट। तो ये एक मतलब चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के लिए कि हाँ दे हैव टू इंप्रूव अपॉन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, तो बेसिकली समरी ऑफ इंडेक्स कैटेगरी एंड डोमेन्स, तो यहाँ पे एक समरी है नीति आयोग की जहाँ पे ये कहा है कि आउटकम को सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं 30 और जो इनका टोटल वेटेज है वो 965 है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज आउटकम को दिया गया है, आउटकम बेस्ड लर्निंग आउटकम्स को दिया गया है 3 इंडिकेटर, उसका सबसे ज्यादा वेटेज है 360। अब लर्निंग आउटकम से क्या समझते हैं आप कि हाँ हमने वो टीचिंग मेथड अपनाया, बच्चों को टीचिंग दी या फिर उनको एजुकेट किया और एट दी एंड अगर उनका कोई एग्जाम हुआ या उनसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उस पर खड़े उतरे और उसका जवाब दिया और ये लर्निंग आउटकम है कि हाँ जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और लर्निंग आउटकम एकदम जीरो है। ओके, तो बेसिकली इंडेक्स लर्निंग आउटकम पे ज्यादा जोर दे रहा है जैसे कि आप टोटल वेट से देख सकते हैं। उसके बाद एक्सेस आउटकम, एक्सेस आउटकम मतलब आपने सारी चीजें प्रोवाइड तो करा दी बट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक मतलब इसका भी वेटेज अच्छा खासा है और ये 100 के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज ऑफ आउटकम्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर दिया गया है कि हाँ वहाँ पे बेसिक हाइजीन मेंटेन करी जा रही है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उन्हें मतलब एक फील अच्छा आना चाहिए कि हाँ वो एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और इक्विटी आउटकम, इक्विटी आउटकम और जो लर्निंग आउटकम है अपने आप में डिफरेंट है कि ये दोनों कंपेरेबल है। कैसे, इक्विटी आउटकम को आप देख सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली कि नहीं मिली। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक छोट मतलब बहुत ही दूर पे एक स्कूल खोल दिया गया हो और वहां पे मतलब चीजों को रख दिया गया हो तो बहुत ही कम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं। इक्विटी आउटकम का मतलब ये होता है कि यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सारे लोगों को टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स और थिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है इक्विटी आउटकम, तो इसका भी वेटेज है अच्छा खासा जो है 200, ठीक है, टोटल वेट है इसका 200। और गवर्नेंस एंड पॉलिसी आइडिंग आउटकम्स, तो यहाँ पे कवरिंग स्टूडेंट, टीचर अटेंडेंस, टीचर का भी अटेंडेंस होना चाहिए, टीचर की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडुकेसी मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पहुँच रही हैं, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए टीचर की और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि हाँ अगर वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो वहाँ पे टीचर की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और टीचर को उसका आंसर देना चाहिए कि हाँ टीचर ने क्या मतलब क्या स्टेप्स लिए उनको पढ़ाने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर मूवमेंट को मतलब फ्रूटफुल करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा वीडियो स्कूल एजुकेशन जो क्वालिटी इंडेक्स है उसके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।